साइड करके ही रखना होगा, जैसे हमको आवाज आए तुरंत हम भागे है ना, उसी में हड़गड़ा के गिरना नहीं है। बढ़िया से आवाज आएगा तुरंत सुपरवाइजर को बोलना क्या आवाज है कैसे है, बढ़िया से डिस्कस कर लो। हाँ आर एस थ्री में भी आता है, आर एस फोर में भी आ रहा है, बहुत खतरनाक है, उसी में हड़बड़ी के गिर रहा है, ऐसे नहीं है। बढ़िया से रास्ता पहले सोच रहे हमको किधर से भागना है ना, तभी ना तुम सेफली बाहर आ पाओगे। बढ़िया से करो दोनों में, आर एस थ्री में है, हाउसकीपिंग जरूर रखो, हाउसकीपिंग मेन है। बढ़िया से जहाँ रू बोर्ड रखना है एक जगह रखिए, डब्लू स्टेप में तो उसको रखिए, जाली एक अलग रखिए, केबल होस को प्रॉपर रास्ता में नहीं घेर के रखने दीजिए कि तोड़ते या भागते में या कोई काम करते में भी आदमी के पैर में फंसे और गिर सकता है। इन फंसने के चलते भी एक्सीडेंट होता है, ऐसे ना हो, बढ़िया से साफ सफाई। रूपल सर जो है बार बार बोल रहे हैं आप लोग टेम्पररी सपोर्ट जरूर लगाइए, बिना टेम्पररी सपोर्ट का फेस में पूछना नहीं है, बोल्टिंग जरूर लगा करके बोल्टिंग करिए, ठीक है। 15 सिम है, 16 सिम नहीं है, 16 सिम का हालत बहुत अच्छा है, वहाँ का रूफ कंडीशन बहुत अच्छा है, लेकिन आप 15 सिम में बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं पुअर रूफ कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और रूफ बोल्टर या ड्रेसर जो भी है अपना जुगाड़ बढ़िया से रखिए, बंटन लंबा बंटन रखिए, प्रॉपर साइज का रखिए, सपोर्ट एरिया में रहकर ही काम करिए, पहले सपोर्ट एरिया से काम करते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम सपोर्ट एरिया को टेम्पररी सपोर्ट करके करिए तब बोल्टिंग शुरू करिए, ठीक है। बोल्टिंग करते समय एकदम ध्यान रखना है कि मशीन मेरा बंद हो, ये नहीं कि अचानक से कोई मशीन भी चालू कर दिए, होस केबल जो भी है उसको बढ़िया से करो, मशीन में बंद किया हुआ पावर उसके बाद ही आगे जाना है, आगे जा करके कंफर्म हो करके ये सब टेम्पररी कोटा लगा करके ड्रेसिंग करके 15 मिनट लगे या 30 मिनट लगे, बिना ड्रेसिंग का फेस में घुसना नहीं है किसी का, समझे। 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर तो कटिंग हो रहा है, होना ही है उतना, कौन सा 20 मीटर कटिंग हो रहा है या 10 मीटर कटिंग ज्यादा कहाँ हो रहा है, उतना में डेली का रूटीन देखोगे तो 3 से 4 मीटर का कटिंग है, एवरेज क्या है, वो तो एक शिफ्ट का कटिंग है, तो इतना समय नहीं है, ऐसा नहीं है कि समय बहुत कम हो रहा है सपोर्ट करने में, लेकिन तरीके से करोगे तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। एक दिन का काम नहीं है, ये रेगुलर काम है, जो हम लोग बार बार टेक फाइव के बारे में बोलते हैं कि रुकिए सोचिए, खतरा को एहसास करिए, खतरा को देखिए, खतरा को जो है उसको आकलन करके फिर उसको दूर कर लीजिए, तब काम करना है सेफ्टी से। अगर इस नियम को हम लोग पालन करते हैं टेक फाइव का कि पहले रुक के सोचें, बढ़िया से इंस्पेक्शन हो फेस का, गैस है रूफ साइड का क्या कंडीशन है, क्या क्या मेरा खतरा हो सकता है उसको हम लोग देख लिए, जब खतरा हम देख लिए तो फिर उपाय करेंगे, फिर दिक्कत कुछ भी नहीं रहेगा। और दूसरा चीज़ है जो हम लोग का अनसेफ प्रैक्टिस है, कोई भी चीज़ जो हम लोग का आदत गलत बना हुआ है जल्दबाजी में करने के लिए, होस केबल को बढ़िया से सपोर्ट करके नहीं रखे, कोई भी मटेरियल है बेल्ट मटेरियल ही तो रास्ता में ही पटक दिया, जिधर से आदमी आना जाना करा उसी में ब्रैकेट बोर्ड या चैनल सब फेंका हुआ, डीप राइज रास्ता है उसी में बेल्ट रखा हुआ है, उसी में केबल होस रखा हुआ है, आदमी हो सकता है जल्दबाजी में स्लिप करके भी गिर सकता है, बच सकता है, तो ये चीज आप तरीका से सामान को रखिए तो खोजने में भी, उठाने में, ले जाने में, आने जाने में, हर चीज में आपको सुविधा। जहाँ रास्ता में रूप बोल्ड देखा या आप जाली देखो उसको कम से कम साइड करके रखिए, रास्ते में उसी को ऊपर से जाना नहीं है, उसी में पैर स्लिप करता है। और बेल्ट अगर पार करना है जैसे आर एच फोर में बेल्ट उधर से कोई एक पंपिंग चल रहा है ना सिपे चलाना पड़ता है, उसमें प्रॉपर लॉकआउट कीजिए या सीढ़ी वो यूज कीजिए, उसके बाद ही आगे जाइएगा, ऐसे नहीं है कि रनिंग बेल्ट में पार हो करके हमको उसी में चालू करना है, उसमें तो उसी में चल जाओगे, दिक्कत है, उसमें प्रॉपर बंद कीजिए, लॉकआउट यूज कीजिए, सुपरवाइजर को बोलिए हम उस तरफ जा रहे हैं, ऑडियो है ना बातचीत करने के लिए, ऑडियो सिस्टम है आर एच फोर के बेल्ट में, चन्ना साहब कहा, उसके बाद ही बेल्ट में कोई भी काम होगा काम करेगा। देखो दो सबसे ज्यादा डेंजर है, गैस का खतरा तो है, तो अभी डीप फेस में गैस का उतना खतरा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, जितना आपका रूफ साइड और मशीन, आपका जो फेस में मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत ही हैवी मशीनरी, उसी रास्ता से जिससे आप आना जाना कर रहे हैं या सामान कोई ले जा रहा है ट्रांसपोर्ट ट्रिप है, तो उसी समय मेरा शटल कार आना जाना कर रहा है, शटल कार के पीछे उसका केबल प्ले हो रहा है, केबल आना जाना कर रहा है, तो उस समय जब मशीन में आना जाना कर रहा है अननेसेसरी कोई भी आदमी उस रास्ता से आना जाना ना नहीं करे, ठीक है। और आने जाने का रास्ता दुरुस्त रखिए, सेफ बना के रखिए, तो आपको सुविधा होगा काम करने में, आने जाने में, और उससे सेफ्टी भी इंश्योर होगा, आप सेफ्टी से काम कर सकें। रूम बोल्टर लोग विशेष ध्यान दीजिए, मशीन ऑपरेटर भी, मशीन का साथ में बीएम ऑपरेटर है कोई यहाँ पर, बीएम ऑपरेटर करने के पहले आप फेस में डिवाटरिंग करवाते हैं, सपोर्ट का काम हो गया
तब डिवाटरिंग होता है कि डिवाटरिंग होता है तब सपोर्ट पे क्या प्रोसीजर है, केस में कैसे जाता है, कैसे कवर करता है? सपोर्ट होता है तभी डिवाटरिंग होता है। पहले सपोर्ट हो गया, सपोर्ट कंप्लीट है, अब हमको तैयारी करना है कटिंग का। तो आप क्या करते हैं कि जितना पानी जमा है उसको पहले हम लोग डिवाटरिंग कर देते हैं। डिवाटरिंग करने के लिए कोई भी आदमी पंप देखने के लिए जाएगा ही मशीन के आगे, साथ में क्या करना होगा उसका सक्शन को हटाना होगा। तो उसमें आप पंप का सीपी का सक्शन उक्शन हटाने के लिए या रोटो का ही सक्शन है हटाने के लिए अनसपोर्ट एरिया में अंदर नहीं जाए। जहाँ तक मेरा बोल्टिंग है सपोर्ट किया हुआ वहीं तक करके वहीं से सक्शन को अपना खींचे और बढ़िया से उसको साइड में सपोर्ट करके रखे, ठीक है ना। और आप जाना भी है तो प्रॉपर सुपरविजन में ही जाना है, सुपरवाइजर को बोलिए देखेगा साथ में वो ऑब्जर्व करेगा कि हाँ साइड का कंडीशन क्या है, मेरा आदमी वहाँ काम कर रहा है उस समय कोई खतरा तो उसको नहीं है, ठीक है। कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले आप एक बार और बढ़िया से इंश्योर हो लीजिए कि फेस में मेरा कोई भी मशीन का सामान वामान या रॉड या फिर कोई कटिंग में आप एक बात और ध्यान दीजिए कि आपको जो साइकिल बोला गया कटिंग का, ये नहीं कि हाँ कटिंग हो रहा है बेल्ट चल रहा है या सकल कार मेरा चल रहा है तो हम कटिंग कर दिए 3 मीटर एक साथ 4 मीटर कट दिए, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर आपको अनसपोर्ट एरिया में जाने में या फिर रूप का कंडीशन देख ही रहे। अगर एक साथ हम ज़्यादा कटिंग कर देते हैं तो रूप मेरा गिरने लगता है। तो उसमें हमको जो साइकिल ऑपरेशन दिया हुआ कि हाँ हमको 1.2 से ज़्यादा नहीं कटिंग कर रहा, पहले 1.2 कटिंग कर देते वो बोल्टिंग करेंगे, वही साइकिल को अपनाना है, ठीक है ना। और कोई भी आपको ऑब्जर्वेशन अपना रहता है कि रूप का कंडीशन क्या, जैसे कटिंग किए जस्ट आप कटिंग कर रहे हैं तो नया रूप हमारा एक्सपोज हुआ, नया साइड एक्सपोज हुआ, तो आपको उस समय भी अपना साइड और रूप से पूरा खबर रहा, ठीक है आप केबिन में है या रिमोट से आप दूर से ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन है कोई आपको लगता है कि नहीं कोई आवाज़ आ रहा है, कोई सिम्टम है साइड का या रूप का, तो आप सुपरवाइजर को या फिर आपके साथ में जो वर्कर हैं उनको बताइए, होल्डिंग टीम को भी बताइए कि देखो इस तरह का आवाज़ आ रहा है या इस तरह का कंडीशन है, सावधानी से काम करना, ठीक है। एक टीम वर्क है, किसी को भी कोई भी खतरा नज़र आता है तो ज़रूर आपस में शेयर करिए, एक दूसरे को बताइए, इवन दूसरे शिफ्ट वाले को भी बताइए, जब काम करके आ रहे हैं रास्ता में जो मिलता है उसको भी खबर दीजिए कि भैया देखो ये मशीन का ये दिक्कत है या रूप साइड का ये दिक्कत है या सपोर्ट मटेरियल का क्या दिक्कत है, आपस में ज़रूर शेयर करना, ठीक है ना। शेयर करेंगे तो क्या होगा कि अगले को कम्युनिकेशन होगा तो वो पहले से प्रिपरेशन लेगा, पहले से प्रिकॉशन लेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूर करना, आप ज़रूरत है तो पिछले शिफ्ट वाले से पूछिए, रोक के पूछिए मशीन का क्या हालत है, ड्रिल का क्या हालत है, रूप साइड का क्या हालत है। हर आदमी का अपना सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि सुपरवाइजर है असिस्टेंट मैनेजर है तो वही पूरा सेफ्टी देते हैं, हर आदमी अपना व्यक्तिगत ये जिम्मेदारी है कि हमको अपना सेफ्टी खुद देखना है, अपना भी देखना है, मशीन का देखना है, साथ ही लोगों का भी देखना है, ठीक है ना। तो सेफ्टी से काम करिए, कोई घटना जब होती है तो बहुत ही दुखदायक होता है सबके लिए, ठीक है। इसलिए वैसा घटना हम लोग कभी होने ही, ठीक है। चेक बढ़िया से।